आदिवासी बहुल जिले बड़वानी के ग्राम भादल जो कि महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित गांव है, यहां पर 300 परिवार रहते हैं। ग्राम भादल सरदार सरोवर बांध के 95 मीटर की ऊंचाई से डूब प्रभावित गांव है। यहां पर सरकार के द्वारा मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। शिक्षा की बात करें तो गांव में स्कूल भवन तो है, लेकिन वहां पर हमेशा ताला लगा रहता है। ना स्कूल बॉडी तेंदारन मास्टरी आता नहीं। तो कौन से मास्टरी है वो के तो? नहीं वो तो मास्टरी यार काई कौन से नहीं कौन नहीं। एक मास्टरी तो रहा था कौन? तेरो भी ना बोतू काई नहीं देख लेता लाने जाता रहता ला। एक दुई मोना बारे मोना मस आउत था। तो से जाता रहता ला। हमरा गाँव में स्कूल चल रही, सरकारी स्कूल कब से पीढ़ियों से चालू है रहे, लेकिन आज भी हमरा गांव में कोई बच्चों कहीं पाँचवीं से कहीं बणिन कहीं अगो हॉस्टल में कोई नहीं गई है, क्योंकि हमरा गांव में स्कूल तो है लेकिन कागज पर चल रही। बाकी हमरा बच्चा तो एक भी नहीं पढ़ता स्कूल में, मास्टर नहीं आते तो कहीं पढ़े। गाँव वालों ने कई बार शिकायत करने के बाद भी शिक्षा अधिकारी तथा कलेक्टर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे है। कहीं आवेदन होगा आपकी नहीं आप तक आपला कलेक्टर का दे भी आपला एक का बार कलेक्टर भी आया था देख के गया था कहीं सुनवाई नहीं कर रहा। गांव वाले एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन के सहयोग से जीवनशालाएं संचालित की जा रही है, जिसमें मैं भी उसी जीवनशाला से पढ़कर आगे आया हूँ। कहाँ बने जीवनशाला? सरकारी स्कूल है कि नहीं? हाँ सरकारी स्कूल है, बाकी वो स्कूल में ना लगती मास्टर नहीं आता था जीवन साला वाला। शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत खेल का मैदान, पुस्तकालय, पीने का शुद्ध पानी आदि की व्यवस्था की जाए, इसलिए मैं आप सभी इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से अपील करता हूँ कि बड़वानी जिले के कलेक्टर श्री शोभित जैन, जिनका नंबर 9425799191 पर फोन कर दबाव बनाए ताकि हमारे गांव में स्कूल खुले और बच्चों को शिक्षा मिले। मैं पवन सोलंकी, ग्राम बादल, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए।